जैन दोस्तों, हम सरलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम अभी तक 24 क्वेश्चनों तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है आरएस अग्रवाल मैथ्स, वहाँ से आपको सारी वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में जो न्यू आरएस अग्रवाल बुक है उससे 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लगभग इस वीडियो में हम 16-17 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 25 क्वेश्चन क्या है। और आपके पास यदि न्यू बुक नहीं है तो इसका मैंने कंप्लीट चैप्टर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन है। 222 माइनस ब्रैकेट में फिर 1/3 का, फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे छोटा, और सबसे छोटा यहाँ पे देखें तो जो बार लगा है इसको भी ब्रैकेट कहते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो हम इसमें बोर्ड मास के रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी जो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है। देखिए, -8 और +9 नहीं है, जिन पे बार लगा है ना, यानी कि 8 और 9 माइनस इसके बाहर है। तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 17। 17 को 56 से माइनस करिए, है ना, थोड़ा सा आप माइंड में भी कैलकुलेशन करना सीखिएगा। 17 17 इससे माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 9, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 39। ठीक है, तो एक तो एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 17 आया तो 17 56 से माइनस करा तो 39 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे अंदर का बार और छोटा ब्रैकेट खुल गया। 39 में किसको जोड़ना है, 42 को, 39 और 42 जोड़ें तो 9 दो, 9 दो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखें 9 और 2 11, और 4 3 7 और 1 हासिल की 8। अब देखिए जी, मंझला ब्रैकेट हटेगा, मंझला ब्रैकेट जैसे ही हटा इसके बाहर का है, तो का और प्लस में का पहले सॉल्व होगा, तो का यानी कि इंटू, और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दून 6, 2 5 3 7 21, तो इसको भी सॉल्व कर कितना आया, 27, और प्लस है वह 108, तो 27 और 108 को जोड़िएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर इतना ही मिला, 7 दूनी 14 और 1 15, मसला 1 3 और 1 135। अब देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व होकर मिला 135। बात समझ आ रही है, थोड़ा सा माइंड में भी कैलकुलेशन करेंगे, है ना, हर चीज़ हमें लिखना नहीं है। अब 222 से आप 135 माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 जाएंगे 7, 11 में से 3 जाएंगे 8, ठीक है, और 1 से कुछ नहीं, यानी कि आपका आंसर आ गया 87। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे छोटा यहाँ पे बार है, यानी 1/6 माइनस 1/7, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करें, 6 और 7 अलग अलग हैं तो एलसीएम आएगा इनका 42, तो 6 से 42 7 बार में कटेगा 7, और माइनस यहाँ पे 7 से 7 छिंग 42, 7 माइनस 6 आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/42। इतनी बात क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व करा तो यहाँ पे अब देखिए बार वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इसमें 1/2 प्लस हो रहा है ना छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 42 आते हैं तो एलसीएम तो आएगा 42, 2 से 42 21 बार कटेगा और 1 बार, तो कितना आ गया यहाँ पे, 22/42। छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर 22/42 को सॉल्व कर ली, 2 से कट रहा है तो 11 और 11/21। ठीक है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो यहाँ पे कितना है, 11/21। अब इसके बाहर देखें तो माइनस है, 2 से 1/2, 2 2 नहीं 4 1 5/2, यानी कि 5/2 में से इसको घटाना है, मंझले ब्रैकेट के अंदर होगा ना अब इतना, तो 2 और 21 का एलसीएम होगा 42, 2 से 21, 21 गुणा 5, 5 में 5, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, 22, सॉल्व करें कितना आएगा यहाँ पर, 3। ठीक है, और यहाँ पर 10 से 2 जाएंगे 8, ठीक है, बटे 42। ठीक है, यानी कि 83/42 आएगा, कौन सा, मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे +3/4 होगा, 3/4 किस में, 83/42 में, 4 और 42 का हम एलसीएम निकाल, कितना आएगा, 4 और 42 का
देखिए 4 और 42 का मैं एलसीएम निकाल लें कहीं पर भी, 2 से और फिर 21 से ही जाएगा, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 एलसीएम आएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी कि 21 गुणा 3 63, 42 दूनी 84, 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 8 16। ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 6 3 9 और 6 दूनी 12 ऐसे लाई 1 229/84। बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब बाहर माइनस है 5। ठीक है, बस समझ आ रही, अंदर से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए एलसीएम में आएगा इसका कितना, 84 184 84 84 गुणा 5, तो 5 4 20 सलाई 2 5 8 40 2 42 माइनस 229 कितना आएगा, 10 से 9 जाएंगे 1 11 में से 2 जाएंगे 9 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 91/84 यानी इससे इसमें भाग लगाना है ना, तो 84 से आप साइड में भाग लगा कर चेक कर लें, लगभग 2 बार जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पे 8 से 6 जाएंगे 2 यानी कि 2 बार पूरा जाएगा 2 सही 23/84 तो 2 सही 23/84 आपका आंसर आएगा। बात समझ आ गई, ऑप्शन सी है ना, इसमें हमें गलती नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हो थोड़ी सी आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो ध्यान से करिएगा, बाकी सरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 2+2 गुणा 2 और बटे 2 भागे 2 गुणा 2 यानी इसको आप अलग सॉल्व कर लें और फिर डिवाइड है, इसको आप अलग सॉल्व। तो इसमें बोर्ड मास के अनुसार देखें, सबसे पहले क्या हुआ, गुणा 2 दूनी 4 4 में 2 जुड़ जाएंगे कितना आएगा 6। और यहाँ पे देखें नीचे भाग पहले होगा, 2 का इसमें भाग लगाएं 1 1 गुणा 2 2 इतनी बात क्लियर है। भाग इसमें देखिए, यहाँ पे भाग लगा रहा है यहाँ पे का, तो का को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 1/2 यानी 1/4, 1/4 का 1/2 में भाग लगेगा, 1/2 में भाग लगेगा 1/4 का, तो 4/1 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, पलट जाएगा ना, 1/4 के 1/2 में भाग लगाएंगे तो 1/2 × 1/4 तो 1/4 × 4 कितना आएगा 2। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लिया आपका कितना आ गया 2, नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे का पहले सॉल्व होगा, 1/4 + 1/2। ठीक है, 1/4 + 1/2 यानी कि एलसीएम कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कितना आएगा 3/4। बस समझ आ रही ना, थोड़ा सा माइंड में भी कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे काटें तो कितना आएगा 3 डिवाइड, ऊपर 2 बचा था, यहाँ पर 3/4 आया बटे 1/2, तो बटे 1/2 में 3/4 है तो 4 ऊपर पहुँचेगा और 3 नीचे आएगा, पहले इसको ही सॉल्व करेंगे ना, तो 4 दूनी 8 8/3 तो 3 में किसका भाग लगेगा 8/3 का, तो 1/2 में है तो 3 ऊपर जाएगा 8 नीचे, 3 3 9 9/8 तो 8 से भाग लगाएं 8 एकम 8 1 बचा 8 1 सही 1/8। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, बोर्ड मार्क्स के अनुसार सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे इसको अलग सॉल्व करें, ऊपर वाले को अलग, इसको अलग। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28। इसको थोड़ा समझिए, 3/4 है प्लस 5/36 7/144 प्लस 17/5184 प्लस 19/8100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें रीजनिंग वाला लॉजिक लगाना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे 4 को हम 1/4 लिख सकते हैं और 36 को लिखें तो 4 × 9 4 × 9 = 36 144 को 9 × 16 ये कैसे लिख रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं वो भी बताता हूँ। बाकी 3/4 को जब 1/4 लिखेंगे तो इसको 1/1 − 1/4 लिखें, सॉल्व करेंगे 4 × 4 − 3/4 अगेन मिल जाएगा प्लस, जैसे इसको 4/9 लिख पा रहा अभी मैं क्लियर करूँगा आपको, तो 1/4 − 1/9 लिखेंगे तो नीचे फैक्टर हो रहा है क्योंकि एलसीएम 36 ही आएगा, 4 × 36 और
नौ चौके 36, तो 9 से 4 जाएंगे, 5/36 मिलेगा, है ना। प्लस जैसे इसको 9 × 16 लिख पा रहा है, तो इसको लिखेंगे 1/9 − 1/16, सॉल्व करेंगे वापस, 7/144 मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको कैसे लिख रहे हैं हम। देखिए 4 × 1, अब नेक्स्ट जो 4 है इसको रिपीट कर रहा है 4, तो इस 4 में जो ऊपर संख्या है ना 5, इतना इसमें गैप आएगी नेक्स्ट संख्या में, 5 × 4 = 9, यानी नेक्स्ट संख्या होगी 9, 9 रिपीट होगी, और गैप कितना आएगा नेक्स्ट संख्या में, ऊपर 7 है इसमें जोड़िए 9 × 7 = 16, तो 16 आएगा, ठीक है। इसका जो नवी संख्या आएगी जैसे यहाँ पर 9/ आएगा, तो यहाँ पर 16 रिपीट होगा और 9 उसमें प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 25, है ना। इसी प्रकार से 11, तो 11/25 और जो नेक्स्ट है उसमें 11 प्लस होगा। इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए लास्ट जैसे 81 कितना है 8100, तो ऊपर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे संख्या ले रहा है ना 16 × 9, ऊपर 7 का डिफरेंस, 4 × 9 5 का डिफरेंस, 4 × 1 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या या तो आप मान पा रहे हैं इजीली मान ली जिसमें 19 का डिफरेंस है, या फिर यहाँ से सिक्वेंस में आप लाते जाइए, जैसे 7 है 2 2 फिर 9 आएगा, फिर 11 13 15 और फिर 17, इस प्रकार से भी पहुँच सकते हैं। तो अब 81 को हम लिख सकते हैं, 8100 को 81 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 81 × 100 लिख सकते हैं नीचे 81 × 100, तो इनके बीच में देखिए 19 का डिफरेंस भी है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फिर इसको भी तो लिखना है। अब लास्ट मान लिया, तो यहाँ पे हम देखें तो जो लास्ट वाला है जो पहले वाला है वो रिपीट रहता है लास्ट में, तो यहाँ पे 81 आएगा, 81 × 4 आएगा, हम लास्ट से मान रहा है इसलिए ना, क्या रहेगा यानी कि आप 17 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 81 17 माइनस करिएगा, 81 से आप 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 में से 1 = 6 64, यानी यहाँ पे 64 × 81 आएगा, बात समझ आई। यहाँ पे हमने 19 का डिफरेंस के हिसाब से 81 × 100 माना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली संख्या यहाँ पे लास्ट रहती है, तो यहाँ पे कितनी आएगी ऊपर संख्या उतना डिफरेंस, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/64 − 1/81 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/81 − 1/100, बस इसका पूरा लॉजिक यहीं पर है, बाकी सवाल सिंपल है। अब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से नेक्स्ट प्लस करेंगे सीरीज में कटेंगे ना, तो माइनस से नेक्स्ट, तो यहाँ पे 1 = −1/100, तो 100 × 100 − 1 कितना आएगा 99/100, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 99 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बस पूरा लॉजिक स्टार्टिंग में ही है, जैसे कि हम रीजनिंग में देखते हैं ना एक लॉजिक सीरीज चलती है, उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, यदि x² + 2y + 6 हो तो x³ − 8y³ − 36xy − 216 = निकालना है। यहाँ पे हम x और y का मान मालूम हो तो इस पूरे में रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x और y यहाँ से मान सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जजमेंट लगाइए, है ना, या आप ट्रिक भी कह सकते हैं, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ऐसे x और y का मान रखें, यदि आप y का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 6 = 8, तो साइड 8 होना चाहिए, तो x बराबर 8 रख दें तो दोनों साइड बराबर हो जाए 8, और यहाँ पे 1 रखेंगे 6 × 2 = 8, तो बराबर होगा इक्वेशन, तो एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखिए x बराबर 8, तो 8 का क्यूब कितना होगा 512 माइनस वाई बराबर 1, तो कितना आएगा 8 माइनस 36 × 8 × 1, तो 36 × 8 कितना होगा 8 × 6 = 48, 47 × 4 8 × 24 और 2 = 28 −216, तो सॉल्व करिए कितना आ रहा है मान, माइनस माइनस वालों को सबको प्लस कर लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 14 और 8 22 + 2 3 3, यहाँ पे 11 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 = 5, और यहाँ पे 512 जाएंगे 0, यानी आपका आंसर आएगा 0, बात क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर दो हो तो एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात चार का मान बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर यहाँ पे चार है ना, तो यहाँ पे हम दोनों साइड यदि स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा दो दो नहीं चार, एक्स एक्स कट ही जाएगा, माइनस दो साइड आएगा प्लस का छः हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस दो साइड आएगा छः, इतना मिल गया। लेकिन हमें घात यहाँ पे चार चाहिए, तो दोनों साइड अगेन स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ पे ए स्क्वायर तो चार घात हो जाएगी, बी स्क्वायर दो और दो चार प्लस टू ए बी, ए एक्स स्क्वायर है और बी है इतना छः छः छत्तीस, इससे कट ही गया, दो साइड आएगा माइनस हो जाएगा कितना आएगा चौंतीस। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स का चार प्लस एक बटे एक्स का चार बराबर दो साइड आएगा चौंतीस। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे चार घात है तो दो बार इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बाकी ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला आपको पता है। बाकी एलजेब्रा में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब हम एलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स, तब मैं आपको और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों को वहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 31, यहाँ पे x प्लस एक बटे एक्स बराबर रूट में 13 है, तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू के मान निकालना है। अब देखिए यदि यहाँ पे दोनों साइड हम क्यू करें तो इस देखिए रूट नहीं हटेगा है ना, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि हम x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस फोर, हम एक मन से संख्या ऐसे मानी x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, एक्स एक्स कट ही जाएगा और माइनस फोर, तो यहाँ पे माइनस टू मिलेगा, तो यानी ये फॉर्मूला वापस आप क्लोज करेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि ये दो वैल्यू आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम दो बराबर लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस एक बटे एक्स की जगह लिख सकते हैं रूट तेरह, तो यहाँ पे रूट तेरह लिखेंगे, रूट तेरह का स्क्वायर कितना आएगा तेरह माइनस चार, तेरह माइनस चार कितने मिलेंगे आपको नौ, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर नौ, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिली थ्री। अब सिंपल है, अब क्यू करना है तो क्यू अब दोनों साइड कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका क्यू कितना होगा सत्ताईस, तो यहाँ पर समझिए इससे कट ही जाएगा, इसका मान कितना आएगा, देखिए इसका मान आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका मान तीन आएगा ना, रूट से बाहर आएंगे तीन, ठीक है, तो यहाँ पे तीन रखेंगे, नौ तीन सत्ताईस तीन तीन नौ, नौ साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यू वन अपॉन एक्स क्यू बराबर सत्ताईस में तीन तीन नौ साइड आएगा प्लस करेंगे कितना आएगा छत्तीस, बात समझ आई, आंसर आएगा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन देखिए, यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस चौंसठ और यहाँ पे एक्स वाई इस प्रकार से माइनस दो है, तो पूछा है एक्स प्लस वाई बराबर यदि तीन जेड है ना, एक वैल्यू दी है, तो जेड का मान यहाँ से निकालना है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दो से यहाँ पे, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर बराबर माइनस दो का यहाँ पे करेंगे माइनस दो एक्स वाई प्लस दो एक्स जेड प्लस दो जेड एक्स। अब बात को समझ लें, यहाँ पे एक्स और वाई है तो एक्स वाई वाला इस साइड ले आए, एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आएगा इस साइड तो प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर है ही और चौंसठ, इसको इस साइड ले आए। अब यहाँ पर ये बचा, इन दोनों में से आप कॉमन लेना चाहें तो टू जेड कॉमन ले लें
यहाँ पे बाय बचेगा और यहाँ पे एक्स बचेगा। अब इतना देखें हम तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बाकी संख्या सेम, टू जेड, आप इसको एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई बराबर थ्री जेड है, तो यहाँ पे थ्री जेड रखेंगे, तीन जेड का स्क्वायर, तीन तीन नौ जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है, तो एक्स प्लस वाई बराबर तीन जेड, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, तीन दूनी छः जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, नौ और एक कितना हो जाएगा, दस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे सिक्स जेड स्क्वायर इस साइड आएगा और चौंसठ उस साइड प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, छः में दस में से छः जाएंगे चार, तो चार जेड स्क्वायर बराबर जेड, तो जेड स्क्वायर बराबर चार से भाग लगाएंगे, चार एकम चार, चार छिंग चौबीस, तो जेड बराबर इसका रूट निकालेंगे चार, तो जेड की वैल्यू यहाँ से चार आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः एलजेब्रा वाले चैप्टर में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा और समझिएगा इसको ध्यान से, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यदि x बराबर रूट टू प्लस वन इसकी पावर माइनस वन बाय थ्री हो तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम दोनों साइड क्यू कर दें, दोनों साइड क्यू कर दे रहे हैं, तो यहाँ भी क्यू, थ्री से थ्री कट जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बटे में पहुँचा देंगे, तो एक्स क्यू बराबर आपको मिल जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन, इतना मिल गया। इसका मान निकाल, इसका तो मिल गया, इसका और निकालना, तो इसको देखिए, सॉरी पहले इसका परिमेयकरण और कर दें, है ना, अपोजिट साइन से परिमेयकरण, तो ऊपर आएगा रूट टू माइनस वन, और यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर टू वन, तो यहाँ पे मिला आपको एक्स क्यू बराबर मिल गया रूट टू माइनस वन, तो इसका अपोजिट और निकाल लें, इसको अपोजिट कर दें, तो परिमेयकरण करेंगे रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन, तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी दो माइनस एक, एक ही आएगा, तो इसका मान आ गया रूट टू प्लस वन, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख सकते हैं फॉर्मूला में, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, एक्स क्यू यानी कि रूट टू माइनस वन और माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, वन अपॉन एक्स क्यू का मान इतना है, तो रूट टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन, तो प्लस सॉरी माइनस टू आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि ए बटे बी बारह चार बटे पाँच और बी बटे सी बारह पंद्रह बटे सोलह है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान बताना। यहाँ पे सी और ए का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ए बटे बी और बी बटे सी गुणा करें, ए बटे बी और बी बटे सी, तो क्या मिलेगा, चार बटे पाँच और पंद्रह बटे सोलह, देखिए बी से भी कट जा रहा है, ए बटे सी आएगा तो काट दें, यहाँ भी पाँच थी पंद्रह, चार चार सोलह, तो ए की तुलना कर ए बराबर तीन और सी बराबर चार रख सकते हैं, सी बराबर चार रखेंगे, चार चार सोलह, ए बराबर तीन नौ, सोलह प्लस नौ, तो कितना आएगा यहाँ पर, सात, सात ही आएगा ना, छः और छः जाएंगे दस, ठीक है, तीन हो जाएंगे सात, ठीक है, यहाँ पे पच्चीस, तो सात बटे पच्चीस आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए माइनस बी बराबर एक हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी बराबर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको, है ना, इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम इस साइड ए माइनस बी का क्यू करें तो वन का भी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी की प्लेस पर रख दें, ए माइनस बी यानी वन, तो वन रखेंगे कितना आएगा यहाँ पे आंसर इसका, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी बराबर, इसके वन चल ही रहा है तो यहाँ पे वन रख दिया बराबर वन, तो इसका मान ही वन आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। आज थोड़े से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग कह सकते या फिर स्टेप बाय स्टेप इनको
सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे। यहाँ पे a माइनस बी वन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है, तो a प्लस बी का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस साइड ही हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1, ठीक है, इतना मिला। अब यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 41 है, ठीक है, अब इसको उस साइड पहुँचा दे रहा है, तो 2ab और यहाँ पे 41 और एक इस साइड आएगा तो माइनस 1, तो यहाँ पे कितना मिला 40, यानी कि और 2 से इसमें भाग भी लगा दे रहे हैं, तो ab बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ab बराबर मिल गया आपको 20। अब आप एक बार a प्लस बी का स्क्वायर भी करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह रख सकते हैं 41, और ab की वैल्यू है 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 81, तो a प्लस बी स्क्वायर बार 81, स्क्वायर उस साइड आएगा रूट, तो a प्लस बी बार 81 का रूट 9, इसका ही मान पूछा है, तो प्लस माइनस 9 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, इसको समझते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा इसको। एक्स बटे दो बराबर वाई बटे तीन बराबर जेड बटे पाँच हो तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटे एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो ये बराबर है, हम के बराबर मान लें, तो एक्स बराबर यहाँ से आएगा 2k, वाई बराबर आएगा यहाँ से 3k और जेड बराबर आएगा यहाँ से 5k। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दें, एक्स बराबर कितना रखेंगे 2k, वाई 3k, जेड 5k, एक्स 2k, वाई 3k और 5k। तो यहाँ पे देखिए 5k और 5k, 5k में से 5k जाएगा ऊपर 0, बट यहाँ पे कितना बचेगा, 5 दो 7 में से 3 जाएगा 4k। अरे 0 में किसी का भी भाग लगाएं आप, 0 ही आएगा, तो आंसर आया आपका ए वाला। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y बराबर 4/13 है, तो x बटे y का मान सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 26 तिरतिया 39 तिर चुके 52 और 33 39, ठीक है। तो अब 4 से यहाँ पे करेंगे 7 चौके 28 x और 4 6 24 y, तो 28 एक्स साइड आएगा, 12 साइड आएंगे 4 और यहाँ पे 4 से 2 जाएंगे 2, तो 24 एक्स बाय उस साइड गया, तो यहाँ पे जुड़ेगा 13 असलाई 1 4 और 2 6, तो एक्स बटे बाय यानी कि बाय साइड आएगा एक्स बटे बाय, तो संख्या उस साइड पहुँचेगी, ठीक है। कट रहा है तो काट दें, किससे कट रहा है, 3 से ही, 3 दूनी 6 3 एकम 3, 3 7 1 8 24 यानी एक्स बटे वाई बराबर 21/8, तो ऑप्शन होगा डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन सवालों का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आपसे नहीं बनेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत इजीली बनने लगेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a माइनस 1 अपॉन a का मान निकालिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम a का भाग सब में लगा दें, ए से काटें, एक से भाग लगा रहे हैं तो एक ए बचेगा, ए से कट जाएगा 6 और ए से भाग लगाएंगे ए बराबर 0। तो यहाँ पे देखें, ए वाले को एक तरफ लिख लें, माइनस 6 उस साइड आएगा प्लस का 6, तो इसका ही मान पूछा है तो आंसर आएगा 6। अच्छा एक चीज़ है जो आर एस अग्रवाल बुक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपने एक टाइप कर लिया, आपने पता चला 10-12 क्वेश्चन आप बहुत ईजीली कर पा रहे हैं, नहीं इसमें मिक्स है, अब एक क्वेश्चन है तो नेक्स्ट दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, यानी कोई भी टाइप का कभी भी आ सकता है। इससे क्या होता है कि इसकी प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम में भी जब हमारे सामने, देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन तो आना नहीं है, एक एक टाइप के एक साथ आना, दूसरे टाइप के एक साथ, तो जब भी मिक्स क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से माइंड में क्लिक कर पाएंगे और आंसर सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि रेंडमली आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं, इसमें कितने 1/8 हैं यानी सिंपल भाग लगाना है,
37 का पहले 2 में गुणा कर, 7 2 14, सलाई 1, 2 3 6 और 1 7 और प्लस 1 यानी कि 75/2 में हम कितने 1/8 हैं, तो इसमें 1/8 से भाग लगाएंगे तो पलटी मार के ऐसा आएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, यानी 300 होंगे इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई आज, है ना। बाकी मैं और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला था, लेकिन ठीक है अब इससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं आज। 41 देखिएगा, 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक और सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, सभी बराबर हैं, ए का भाग कितना है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन कह सकते हैं इनको। देखिए 600 को ए बी सी में बांटना है, तो ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक और बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक, सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, आपस में सभी कैसे बराबर है, तो बराबर है, कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर मान लिया के। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा के माइनस 40 और 2/5 है 5/2। ठीक है, बी बराबर कितना आएगा, के माइनस 20 7/2, सी बराबर के माइनस 10 तो 17/9। तो ए बी सी तीनों के मान आ गए, और तीनों को मान यहाँ पे हम प्लस करें तो तीनों के मान है टोटल 600। तो रख दीजिए तीनों का मान यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो हम 5 का अंदर भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं और 7 में प्लस करते हैं, 5 के माइनस 5 4 20 200/2, ए का मान प्लस, बी का मान 7 के माइनस 7 2 14/2, सी का मान 17 के माइनस 170/9, बराबर कितने होंगे 600। इसका एलसीएम लें 9 और 2 का, तो आएगा 18, 2 से 9 बार में कटेगा, 9 5 45 के, 9 2 18 1800 प्लस, 2 से 9 बार 9 7 63 और 14 9 126 प्लस, 2 बार 17 2 34 और 17 2 34 बराबर 600। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, है ना, बाकी अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। अब आप के वालों को एक तरफ प्लस करिएगा और संख्या संख्या को एक तरफ, तो के यहाँ पे 4 3 7 7 5 12 नसलाई 1, तो 4 6 10 10 4 14 यानी 142 के, तो संख्या संख्या माइनस की है सारी, तो 0 0 0 तो 0, दूसरी संख्या 4 6 10, ठीक है 10 10 की 0 असलाई 1, तीसरी संख्या 4 4 और 2 6 6 और यहाँ पे 8 14 असलाई 1, तो 1 2 और 1 3 34 सौ आ गया, 18 है तो इसको हम गुणा कर दें 18, तो यहाँ पे गुणा करेंगे थोड़ा सा, है ना, 18 से 76 74 18 92 18 108 208 20। ठीक है, इसका मान इतना आएगा 3460 आके इसमें प्लस करिएगा, 3400 से आके प्लस करेंगे तो लास्ट में 20 आएंगी, 8 4 12 असलाई 1, ठीक देखिए असलाई 1 तो यहाँ पे 3 और 1 4 और 1, तो के बराबर 142 है, के बराबर आएगा 100। ठीक है, थोड़े से आप इसको करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, सामान्यतः हमारा जो एग्ज़ाम है वहाँ पे टाइम ले लेता है, तो सभी क्वेश्चन टाइम नहीं लेते लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं। ए का मान तो के बराबर 100 आ, ए का मान इतना है तो यहाँ पे रखेंगे 100 माइनस 40 60, 60 गुणा 5/2, तो 60 गुणा 5/2, 2 से काटेंगे 30 तो 5 3 15, तो ए का मान कितना आएगा 150। ठीक है, जिसका मान पूछो उसमें रख सकते हैं।
ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है तो आप इसको 1 सवा मिनट में कर पाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर आप इसको गलती करेंगे और नहीं भी कर पाएंगे एग्ज़ाम, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन ही ज़रूरी नहीं आपको 10-5 सेकंड में हो, तो 1-1.5 मिनट तक भी सॉल्व होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा समय लगाएंगे, बस प्रैक्टिस समय करना है। तो आज क्लास बहुत लंबी भी हो गई है, हम इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, और आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करना है ना। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्लास लंबी है होने दीजिए, हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना हमें काम आएगा। और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजी लगने लगेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।